जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये मौका प्रभु ने दिया है आपके सामने गवाही देने के लिए। मेरा नाम फ्लोरेंजा दलवी है और मेरे पति का नाम जॉन दलवी है। मेरे दो बच्चे हैं, नेतन और रेचल। आज मैं आपको मेरे जीवन में जो परमेश्वर ने गवाही तैयार किया है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगी। दो साल पहले मेरे पति को एक बीमारी हुई थी, जैसे उस परिस्थिति में मेरे पति का जो हालत था वो देख नहीं पाती थी मैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रभु ने उस समय कैसे हमको उस परिस्थिति से निकाला, मैं संक्षिप्त में कहना चाहूँगी। मेरे पति और मैं, हम दोनों ही जॉबलेस थे, नौकरी नहीं थी। और ऐसे परिस्थिति में जब पैसे नहीं थे, नौकरी नहीं थी, तो मेरे पति बहुत बीमार हो गए थे। और वो इतना बीमार हो गए थे कि उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। वो उठ नहीं पा रहे थे, खाना नहीं खा पा रहे थे और हमको पता नहीं चल रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। और ऐसी दुविधा में थी कि पैसे भी नहीं है, डॉक्टर के पास भी नहीं, मैं ले नहीं जा पा रही हूँ उनको। तो मैं इतनी परेशान थी। और मैं एक आपको वचन बताना चाहूँगी जो मेरे जीवन में इसके अनुसार प्रभु ने काम किया है। जैसे एक पत्रस में 5:7 कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। फिर से मैं कहूँगी, 1 पत्रस 5:7, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ भाइयों बहनों, ये वचन मेरे जीवन में बहुत काम किया है प्रभु ने। जैसे हमने ये वचन में देखा कि परमेश्वर कहता है कि तेरी चिंता को तू मेरे ऊपर डाल क्योंकि मैं तेरा ध्यान रखता हूँ। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये गवाही जो है, ये जीवन में परमेश्वर ने बहुत कार्य किया है। मेरे पति का परिस्थिति इतना खराब था कि मेरे पास पैसे भी नहीं थे उनको नॉर्मल डॉक्टर के पास भी दिखाने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने मेरे परिवार में से ही मेरे देवर और देवरानी को लाया उस समय पे, जो हमसे मतलब दूर थे, और उस समय पे उनको प्रभु ने लाया एक दूत की तरह। और उनके द्वारा मेरे पति को एडमिट किया गया। अब एडमिट करने के बाद जब हमने बहुत सारे रिपोर्ट्स जो डॉक्टर ने हमको बोले थे टेस्ट करने के लिए, वो सब रिपोर्ट्स हमने निकाले और डॉक्टर ने वो रिपोर्ट देखते हुए कहा कि तुम्हारे पति को जो बीमारी हुई है वो इतना डेंजर, मतलब इतना ये है परिस्थिति कि उसका कुछ गारंटी नहीं है। मतलब अगर 24 घंटे में जो दवाई हम उनके ऊपर दे रहे हैं उस दवाई का अगर असर नहीं होता है 24 घंटे के अंदर, तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। तो आप सोच सकते हो कि 24 घंटे का डॉक्टर ने टाइम दिया और हम सब प्रार्थना में ही थे। और मेरे को बार बार ये वचन प्रभु याद दिला रहा था कि तेरी चिंता को तू मेरे ऊपर डाल क्योंकि मैं तेरा ध्यान दे रहा हूँ। और मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने उस समय पे मतलब जो दवाई दे रहे थे डॉक्टर, वो डॉक्टर ने जो 24 घंटा दिया था, जैसे इंसान के पास समय कम रहता है या समय लिमिट रहता है, लेकिन परमेश्वर के पास समय बहुत है हमारे लिए। और परमेश्वर ने उस 24 घंटे के अंदर ही उस दवाई का असर शुरू कर दिया। 24 घंटे के अंदर ही प्रभु ने मेरे पति को थोड़ा बाहर निकाला उस परिस्थिति से। और उसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि जो दवाई असर नहीं कर पा रहा था, जैसे डॉक्टर ने बोला, वो 24 घंटे के अंदर दवाई असर करने लगा, उनकी परिस्थिति बदलने लगी। फिर लेकिन एक बात ऐसे हो गई कि वो दवाइयाँ जो थी वो हैवी डोसेस थे, उसके वजह से उनका जो किडनी पे असर हुआ था, उसके वजह से डॉक्टर ने कहा कि जो उनका किडनी में जो एक क्रिएटिनिन लेवल होता है वो बहुत बढ़ गया है। और वो बढ़ने के वजह से डॉक्टर ने कहा कि उनको डायलिसिस पे डालना पड़ेगा। और आप समझ सकते हो कि डायबिटीज़ में जो डायलिसिस करते हैं वो कितना पेनफुल होता है, कितना मतलब शरीर को हानिकारक होता है। तो मैं प्रभु को फिर से कहा कि प्रभु इस परिस्थिति में मेरे पति को मत लेके जाना। और प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि यीशु मसीह ने उस परिस्थिति से भी उनको बाहर निकाला। मतलब वो परिस्थिति आने ही नहीं दी, वो डायलिसिस होने ही नहीं दिया कि उनका वो जो लेवल है वो कम
कर दिया प्रभु ने किडनी का, और विद इन 7 डेज, मतलब 7 दिन के अंदर, वो जो परिस्थिति जो डॉक्टर ने कहा था कि उसका कुछ गारंटी नहीं, 7 दिन के अंदर मेरे पति को ठीक कर दिया। इवन डॉक्टर खुद अपने मुंह से कहने लगे कि तुम बहुत लकी हो कि तुम इतना जल्दी निकल रहे हो, नहीं तो ये परिस्थिति से लोग निकल ही जाते, मतलब दुनिया से उठ जाते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगी कि ये प्रभु का ही काम है, प्रभु का ही हाथ है, जिसके वजह से मेरे पति 1 हफ्ते के अंदर निकल चुके उस परिस्थिति से। और मैं प्रभु का इसलिए भी धन्यवाद करती हूँ कि उस समय पे, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हम दोनों भी जॉबलेस थे, हमारे पास पैसे नहीं थे इवन डॉक्टर नॉर्मल डॉक्टर के पास लेके जाने के, लेकिन जब मैं घर पे आके सब बिल मैंने चेक किया तो मैंने देखा 1,10,000 का खर्चा हुआ, जो मुझे पता नहीं कि प्रभु ने कैसे किया और कैसे उस सब चीज़ों को अरेंज किया। मैं आज तक उस बातों को सोचती हूँ और मैं यही परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि जैसे परमेश्वर वचन में कहता है कि तू अपनी चिंता को मुझ पर डाल, और मैं क्योंकि उसको तुम्हारी ध्यान है, तुम्हारी चिंता है, और प्रभु ने इस वचन के अनुसार मेरे जीवन में कार्य किया। मैं और एक वचन कहकर समाप्त करना चाहूँगी कि जैसे ये वचन कहता है 10 रोमियो का 10 अध्याय और 11 वचन कहता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। फिर से कहूंगी, रोमियो का 10 अध्याय 11 वचन, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। हाँ भाइयों बहनों, परमेश्वर में सचमुच मुझे लज्जित नहीं होने दिया, भले वो पैसे में हो या मेरे विश्वास के बात में हो, प्रभु ने मेरे विश्वास को भी कायम रखा उस समय पे और मुझे पैसों के भी सारे बंदोबस्त करके दिया। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा मसीह है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और आपका जो भी कठिनाई हो, जो भी परिस्थिति हो, आप विश्वास रखो, डरो नहीं, क्योंकि यीशु आपके साथ है। धन्यवाद।